नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये कैनन का प्रिंटर आया है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है 3010। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो प्रिंटर ऑन हो रहा अपने आप क्या बटन दबा हुआ था तो हो गया ऑन। तो अभी मैं इसे यहाँ पे पेपर रखूँगा, ठीक है। सॉरी, मुझे थोड़ा वीडियो कट करना पड़ सकता है क्योंकि मैं एक ही हाथ से बना रहा हूँ, तो इसीलिए सॉरी। तो अभी मैं इसे देखो यहाँ से दबा रहा हूँ बटन, ठीक है। तो प्रिंट आउट के लिए लेगा, उसके बाद देखना। ठीक है, अभी देखो प्रिंट आउट लिया, पेपर भी निकलेगा। ओके, ये अभी निकला। अभी मैं वापस इसे करूँगा कि पेपर फंस रहा था कुछ, ठीक है। तो ये देखो अभी हो गया, ये भी वापस एक बार कर रहा हूँ मैं इसे यहाँ से। कस्टमर ने बताया कुछ पेपर इसका फंसने का प्रॉब्लम आ रहा था, तो ठीक है पेपर इसने उठाया और ये यहाँ पे से आया। तो एक्चुअली अभी तो पेपर ठीक है, आ रहा है, लेकिन इसके पहले पेपर दो तीन बार फंसा है। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर दो तीन बार एक्चुअली फंसा, क्योंकि फिर मैंने सोचा इसको बनाने के पहले एक बार वीडियो बनाया जाए इसका, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, मतलब कितना भी पेपर आएगा और इस पर फंस सकता है कभी भी। तो इसे सबसे पहले मैं इसे बंद कर रहा हूँ, देख सकते हैं। तो भाई ऐसी कंडीशन में बहुत बार प्रॉब्लम होता है, और क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक रिले होता है, ठीक है, आपको वो चेक करना होता है। उसके बाद आपको एक बार टोनर चेंज करके देखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको इसका फ्यूज़र का प्रॉब्लम भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसका प्रॉब्लम बहुत आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका रिले देखेंगे खोल के। तो इसमें कैसे बताओ अभी, तो हम यहाँ पर एक बार सेटअप बैठाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटर को मैंने ले लिया यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे इसका ढक्कन का स्क्रू है, इसे खोलेंगे, ठीक है। इसे खोलने के लिए यही तरीका है, जो तरीका है बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें लॉक रहते हैं ओपन करने के लिए। देखिए इस तरीके से लॉक बने रहते हैं, एरो दिया रहता है यहाँ पे और नीचे भी दिया रहता है, ठीक है। तो नीचे का तो मैं एक हाथ से नहीं दिखा सकता, ये आप पॉसिबल था तो ये दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे उठा भी लेंगे थोड़ा, ओके। और इसे टोनर को भी निकालेंगे पहले, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम देगा। मैं काफ़ी दिनों के बाद ये प्रिंटर बनाने जा रहा हूँ। अब प्रिंटर का काम आपने देखा रहेगा मेरे वीडियोस में, बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा करके इसके वीडियोस मतलब कम डालता हूँ, एडवर्टाइजमेंट इसके रेयरली आ जाते तो कर देता हूँ। सॉरी गाइस, बाजू में दुकान वाले आए, तो एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद दुकान खोल रहा हूँ मैं, ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि काम ठंडा था तो मैं ज़्यादा काफ़ी ये हफ्ते पूरा मैं आया नहीं। अभी आज शनिवार है तो आज के दिन आया हूँ, ठीक है। और जैसे आया तो एक जन से काम मिलेगा कि भाई प्रिंटर बना दो, और चलो लाओ देख लेते हैं। तो वो दो तीन बार मैंने भी चेक किया तो प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा संभाल के करना होता है। तो इसे देखिए यहाँ से ओपन करिए, ठीक है, ये रहता है, यहाँ पे भी ओपनर रहेगा, वो नीचे से भी रहता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रहता है, जहाँ जहाँ आपको अड़के वहाँ वहाँ कर लो, ठीक है। पहले हम जब नए नए सीखते थे इसको, कसम से प्रिंटर की मारपीट कर देते थे। मुझे लगता है शायद से इधर से खुलेगा,
काफ़ी दिनों के बाद खोल रहा हूँ ना, कंफ्यूजन चल रहा है। माफ़ करना, थोड़ी देर थोड़ा खोलने में वक्त लग गया मुझे। एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद खोल रहा हूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, और सिस्टम काफ़ी इजी था इसे खोलने का। ठीक है, एनीवे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम रिले बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये देखो, ये ऐसा होता है कि इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, ये इसे जब जब ये गियर घूमता है तो इस तरीके से रिले आके चिपकता है, मतलब चिपक के वापस आगे जाता है। तो ये परमानेंटली ऐसा चिपका नहीं होना चाहिए, ये आके जैसे चिपकना नहीं चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये रिले के साथ ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, ठीक है, इसके साथ, गियर के साथ। तो वो सिस्टम इसमें होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं अभी सबसे पहले इसे खोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ, सॉरी। और ये चीज़ हमेशा होता है इसके, ऐसा बहुत बार होता है प्रिंटर में कि बहुत बार 50-50 60-60 प्रिंटर आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ऊपर आ रहा है, एक साथ उठा रहा है, मतलब ऐसे आते रहते हैं प्रॉब्लम यार। अभी एक कन्फर्म बताना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी ये इसको मैं थोड़ा सा इधर के उठा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ये जो हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये रिले में जो ये चिपक रहा है ना, ऐसा नहीं, तुरंत ऐसा होना चाहिए। और तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत ईजी है, मतलब बहुत आसान है। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली देखिए, करिए कुछ नहीं, एक काम करिए, खाली सिर्फ ऐसा टेप ले लीजिए। ठीक है, ये टेप इस तरीके से उठा लीजिए, ओके, और इसे देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, और सिंपली इतना काट लीजिए, ओके। तो मैंने इसे इतना काट लिया, ठीक है, बस थोड़ा सा इसे इतना काट के रख लिया। और मैं क्या करूँगा, इसको इस जगह पे लगा दूँगा जहाँ पे ये चिपकता है, ओके। बस इसे यहीं पे लगाना है मुझे, अच्छे से फिट करना है ताकि ये चिपके नहीं। ठीक है, अभी देखिए, अब चाहे मैं जितना भी करूं ये नहीं चिपकने वाला। तो ये एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है, ये गियर के साथ घूमते हैं करके इसलिए प्रॉब्लम होता है। बट ये यहाँ पे भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ का ऊपर का जो इसका रबड़ था वो घस चुका है। तो अब हम इसे वापस से बैठा देंगे। अभी देखा आपने, मैंने 3-4 एक्चुअली प्रिंटआउट निकाल के देखा, लेकिन आपके सामने वो नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले वो प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो वो पेपर फंस रहे थे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। तो अभी मैं से मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसे बैठाना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसे मैंने अभी बैठा दिया, ठीक है, और अभी तक शुरू नहीं लगाया। अभी देखिए, अभी बिल्कुल भी ये नहीं बैठ रहा है, चिपक रहा है, और इसके पहले चिपक रहा था, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो गलत है। और उसकी वजह से आपका पेपर बहुत बार एक साथ दो दो तीन तीन प्रिंटआउट ले लेता है, या फिर एक के साथ दो दो खींचता है, फिर बहुत बार प्रिंटआउट लेता है लेकिन फंस जाता है। तो ये प्रॉब्लम आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सावधानी से थोड़ा वायर वगैरह इसका देखिएगा, कट उट ना जाए या प्रॉब्लम ना हो जाए, वरना आपका मेहनत बढ़ेगा, और कुछ नहीं, जो कि आप नहीं चाहेंगे कि 5 से 10 मिनट के काम के लिए आपका इतना बड़ा नुकसान हो। ठीक है, बस ये हो गया। ये देखिए, अभी अपना घूमेगा, बैठेगा, पटकेगा, खेलेगा, जो करना है करेगा। तो अब मैं प्रिंटर को पहले तो जैसा था वैसे उसे बैठा दूंगा, और फिर इसे कम से कम 8-10 प्रिंटआउट मारूंगा, प्रिंटर वगैरह मारूंगा, और फिर आपको भी चेक कराऊंगा, टेंशन ना लो। तो इससे पहले मैं अभी प्रिंटर को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त से ये टेढ़ा मेढ़ा तिरछा बैठा ही हुआ है। तो ये देख सकते हो, काफ़ी खोलना पड़ा मुझे। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम के बाद इसे खोल रहा था, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था थोड़ा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रिंटर का अपने पास बहुत कम काम आता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरा हाथ का जो एक्सपीरियंस है वो छूट चुका है, बहुत कम हो चुका है प्रिंटर के मामले में। फिर देख आता है तो अपन देख लेते हैं भाई, एक्सपीरियंस इसी से कम नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कम हो गया है प्रिंटर में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा कि पता नहीं, चलो देखते हैं, बैठ जाओ भाई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पेपर वगैरह रखूँगा, एटलीस्ट 5-6 रख दूंगा। ठीक है, मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ क्या क्या रीज़न होता था। पहला रिले, दूसरा टोनर, और उसके बाद इसका फ्यूज़र, मतलब उसमें पिकअप रोलर वगैरह होता है, उसको गियर वगैरह होता है,
उसमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है बहुत बार, ठीक है। तो ये पावर कॉर्ड है, ओके। अरे आ जा भाई, तेरा ही प्रिंटर है, देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसे, ओके। और पीछे भी मैंने इसे अटैच कर दिया, ओके। चलिए अभी मैं इसे फिर से ऑन कर रहा हूँ, सॉरी मैं इसे यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, इसे यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। एक पेपर ले लिया, बिल्कुल रुका नहीं है, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है, और ये रुकना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली पहले से मारा था मैंने, जो उस वक्त मार रहा था वही है, ठीक है। तो ये इज्जत से ले लिया, उसके बाद हम एक और प्रिंट आउट मार के देखेंगे, कम से कम 6-7-8-10 मारेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है फिलहाल, तो हमको वो एक ही मिला। अभी ये स्कैन हुआ, गियर हुआ, प्रिंट आउट कुछ नहीं रखा है मैंने, सारे पेपर निकाल दिए, बस ये पेपर ले ले। हमको मेन प्रॉब्लम यही था कि पेपर डबल ले रहा था बहुत बार, ठीक है, देख सकते हो पूरा हरा भरा कबाब जैसा निकला है। अभी एक और प्रिंट आउट मारेंगे, देखेंगे, ठीक है। जाने दो, स्पीच को निकलने दो भाई, जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन ना ही है, ठीक है। तो 3 पेज हो गया, अभी फंसा एक भी बार नहीं है, ओके। तो अब हम और भी पेज ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इतना पेज ले लिया, जो इसके अंदर था वही पेज लिया, ठीक है, अलग से नहीं लिया। और इसको मैं जेरोक्स के लिए डाल दूंगा, ये जितने भी है ना, इनको हम जेरोक्स के लिए डाल देंगे। तो इसे मैं ऊपर रख रहा हूँ। प्रिंटर अच्छा है, कैनन का है, हालांकि ये सस्ते में मिल जाता है प्रिंटर आपको, मतलब 6,500-7,000 का। जब मैं सर्विस सेंटर में था उस वक्त 6,500-7,000 में प्रिंटर मिल रहा था, ये वाला प्रिंटर, ठीक है। तो अभी चलिए मैं इसे ऑन करूँ, तो यहाँ से देखिए, तो कम से कम जितना है कम से कम 5-6 निकाल के देखेंगे, और अगर ये अच्छे से चल गया तो इसका मतलब ये प्रिंटर हमारा वर्किंग हो गया, चालू हो गया, और प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो गारंटी है। ओके, चार है ना भाई, है कि नहीं है, है, चलो ये देखो प्रिंट आउट भी बराबर आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है यार, टेंशन नहीं लो। इसके नीचे है कि नहीं मुझे वो देखना, मैंने अभी तक देखा नहीं है, नहीं नहीं है, पूरा पेपर खाली है। अब देख रहे हो एक पेपर भी नहीं फंस रहा और एक भी बार नहीं फंसा है, ठीक है। तो मतलब वो रिले का प्रॉब्लम था, ठीक है, वो कंफर्म हो गया और मैंने भी आपको दिखा दिया। तो वीडियो हालांकि काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, तो पता नहीं है कैसा लगा, क्योंकि प्रिंटर भी मतलब ज़्यादा काम आते नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।